तरुण जी, चौथी बार बेल की एप्लीकेशन नहीं मिली है, आप इसमें क्या कहना चाहोगे और कितनी बड़ी जीत आपको लग रही है इस चीज को लेके? आज चौथी हियरिंग है, चौथी हियरिंग है, चौथी हियरिंग थी क्योंकि उसमें ऑर्डर था, तो आज जज ने वो ऑर्डर को देखते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दी। एंड अली को लेके काफी बड़ा नाम उन्होंने लिया था, अली को लेके आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अली को मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मैं किसी को बता रहा था, किसी पत्रकार को, 24 तारीख को जब ये बंदा अरेस्ट हुआ, जब कोई थीरी नहीं थी, 27 को रिमांड आते आते इनकी पहली थीरी चालू हुई नकली चाचा, उसके बाद थीरी चालू हुई नकली मामा, उसके बाद थीरी हुई कि माँ, उसके बाद थीरी चालू हुई कि परिवार ने इसको, फिर चौथी थीरी उनके आर्ग्यूमेंट आते आते हो गई कि अली। ये सब थीरी जो इनकी सातों थीरी को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने एक ही थीरी को माना, दैट वॉज लास्ट सेम थियरी। क्यों कोई आपको क्या लगता है इतनी सारी थियरी जो आ रही है बाहर और सब रिजेक्ट हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कितना केस घुमाने की कोशिश पे? देखिए ये अगर मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार है, ये कुछ नहीं था, ये खाली एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से इस परिवार की इमेज को डाउन किया जाए, इनको कोई मीडिया सपोर्ट नहीं मिले, इनको कोई पुलिस नहीं सपोर्ट करे, इनकी फैमिली की इमेज को डिमिनिश करने की कोशिश थी, जो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके आर्ग्यूमेंट, उनके प्ली में सब कुछ था, ये बेल एप्लीकेशन तक में सब कुछ था, जो कोर्ट ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। और कोर्ट ने आज ये बोला भी है कि आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स के, कोर्ट के पास कोई एविडेंस और तथ्य नहीं थे आपके आर्ग्यूमेंट्स पे, करेक्ट, कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब हाईकोर्ट में जाने वाला है, क्या लगता है आपको, किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? मैं सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर बैठा हूँ, हाइट तो कर चुके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज फिर से बेल रिजेक्ट हुई है, चौथी बार ये ऐसा है और अब हाईकोर्ट में जाने वाली है, सर आप क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए सुनीता को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर सुनीता। तुनिशा के केस में काफ़ी सारी बातें हुई, सबसे बड़ी बात अली का जिक्र हुआ था कोर्ट में, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अली के स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि अली तुनिशा का सिर्फ एक दोस्त था, इसके अलावा कुछ नहीं था, जिससे वो दिसंबर में 2 या 3 बार मिली थी। पर लास्ट 15 मिनट में कुछ वीडियो कॉल की बातचीत हुई थी, अगर आप कुछ बताना चाहोगे कि लास्ट 15 मिनट में क्या अली से बातचीत, केक शॉप पे भी गए थे वो लोग? मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास वो पूरी डिटेल्स है कि लास्ट 15 मिनट में किससे बात हुई, फिर किससे बात हुई, फिर अगले 45 मिनट तक सिर्फ शीजान तुनिशा के साथ था, तो वो कोर्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लियर कर दिया है, तो अली का नाम यहाँ जोड़ने का कुछ रह ही नहीं जाता। शीजान के गूगल अकाउंट का पासवर्ड वो भूल चुके हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है उस पर? पहले दिन से लेके आज तक शीजान बार बार अपने बयान बदलता रहा है, कभी वो पासवर्ड भूल जाता है, कभी उसको ब्रेकअप की कोई दूसरी वजह बताता है, कभी श्रद्धा आफ्ताब का नाम बीच में लेता है, कभी एज का कुछ बताया, तो इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट ने भी इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए बेल रिजेक्ट किए कि वो बाहर आकर गवाहों को मैनिपुलेट कर सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, इसीलिए बेल रिजेक्ट।